अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट और आप देख रहे हैं के एन न्यूज़। अब मौसम बहारा की आमद है और मौसम बहारा के मौके पर आपको पता है लाहौर के हर पार्क में कोई ना कोई मेला लगा हुआ है। इसी तरह ही हम लोग लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मौजूद हैं जहां पे हॉर्स एंड कैटल शो का 7 साल बाद इनकार किया गया है। यानी कि हॉर्स एंड कैटल शो की अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो 1962 से लेकर अब तक हॉर्स एंड कैटल शो शुरू है। 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी, उसके बाद वक्फे से ये जो है हॉर्स एंड कैटल शो लगते रहे हैं। लेकिन वक्फे से अगर आप देखा जाए तो 2015 में हॉर्स एंड कैटल शो जो है लगा था और उसके बाद अब 2022 में मार्च में हॉर्स एंड कैटल शो शुरू हुआ है। और हॉर्स एंड कैटल शो का ये है, यहाँ पर इस दफ़ा जो हॉर्स एंड कैटल शो है बड़े ही बहुत ही आबोताब से शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे, बल्कि सैर करवाएंगे और फैमिलीज़ के साथ मिलवाएंगे और उनके तासरात बयान करेंगे वो किस तरह इस पूरे मेले से महजूज़ हो रहे हैं। मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे मेले में आपने मार्शल आर्ट का यहाँ पे स्टॉल लगाया है और माशाल्लाह आप मार्शल आर्ट से लगता बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इसके मुतल्लिक कुछ बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राना अब्दुल मजीद है, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पंचिक सिलत फेडरेशन एंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन पंचिक सिलत फेडरेशन। ये इंडोनेशियन बेस्ड मार्शल आर्ट है। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, सिंगापुर उसके 4 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान में ये एज वेल एज पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान ओलंपिक्स के साथ भी है और हम एशियन गेम्स भी खेल चुके हैं। ये एशियन इंडोर गेम में शामिल है, एशियन बीच गेम में शामिल है, एशियन मार्शल आर्ट गेम में शामिल है। यहाँ पे हम एसए गार्डन की दावत पे आए हैं और यहाँ पे लकीली आज हमारा वर्ल्ड पंचिक सिलत डे भी है, जो कि मेरे ही तजवीज़ करने पर वर्ल्ड पंचिक सिलत ने रखा था। तो आज बच्चों के बहुत शानदार मुकाबले हुए हैं और ऐसे गार्डन के तावन से हमने उनको इनामात और दूसरी चीज़ें। जी मुझे बताइएगा कि ये जो आपके मार्शल आर्ट के हैं ये पूरे ये लाहौर में है कि पूरे पाकिस्तान में है? जी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में है। एज़ पर आर्टिकल 6A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, आपके पास सारों सूबों में आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए और तमाम जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं जैसे पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स, नेवी, HEC और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हमारे सब में हमारी एसोसिएशन और टीम मौजूद है। तैयारी करते हैं और फिर अपने फन का मुजाहरा करते हैं। कुछ यू सलामकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कौन से स्कूल से हैं आप? सर इकबाल हाई स्कूल गढ़ी शो है, गवर्नमेंट इकबाल हाई स्कूल। इकबाल हाई स्कूल गढ़ी शो से। तो ये आपके कितने बच्चे हैं, यानी कि कितने बच्चों को ले? 50 बच्चे में उन्होंने टास्क दिया था, 50 हमारे स्कूल के, बाकी स्कूलों के भी आए हुए हैं लेकिन एक स्कूल से 50 बच्चे उन्होंने एट अ टाइम बुलाए हैं। 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो लगा है, क्या फील कर रहे हैं? बड़ा अच्छा फील हो रहा है, मैंने भी काफ़ी अर्सा पहले देखा था तो पुरानी कुछ यादें ताज़ा हुई हैं। बच्चों 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो है, कौन कौन पहली दफा आया है, क्या फील हो रहा है? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हम अब एक बच्चे से बात करेंगे, बड़ा शरारती सा बच्चा है जी, बड़ा पसंद आया जी मुझे, इससे बात करेंगे। ये जो छोपरा है जी, क्या हाल है? ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में पढ़ते हैं। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस। पहली दफ़ा आए? जी सर। क्या बात यहाँ पे आपको अच्छी लगी? और जो होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। पहली दफ़ा आज फर्स्ट डे आए हैं कि कल भी आए? रोज 7 दिन से आ रहे हैं। 7 दिन से आ रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं? जी रिहर्सल कर रहे हैं, वो परेड करते हैं, तराना पढ़ते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं घर। परेड करते हैं, तराना पढ़ते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो माशाल्लाह ये तो आपको बड़ा एजाज़ मिला है तराना पढ़ने का, तो इस एजाज़ में क्या आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आगे क्या बनने का इरादा है? फौजी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। 7 साल बाद यहाँ पे हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू हुआ है, क्या महसूस कर रही? बहुत अच्छा प्रोग्राम है और ऐसे इवेंट होते रहने चाहिए, इससे हमारी सकाफत, हमारे कल्चर के साथ साथ हम अपनी फौज के लिहाज से भी बहुत उसको प्रोमोट करते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी तो हमारी जनरेशन, स्पेशली यंग जनरेशन को जो है वो पता चलेगा और इन्जॉय भी होगा, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा है।
जी बिल्कुल, इंटरटेनमेंट के लिए वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जी, इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग आपको एक दूसरी फैमिली से मिलवाते हैं जी। 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा लाहौर में मुनक़िद हुआ है जी, तो एक्साइटमेंट तो होगी आपकी, हमें तो क्या कहेंगे इसके बारे में? हमें तो वो एक्साइटमेंट है जब हमने 25 साल पहले देखा था। तो अच्छा, 25 साल पहले? 25? आप इतने पुराने? इतने पुराने? अच्छा, 25 से 27 साल पहले मुझे याद है मैंने ये देखा था जब सुल्तान गोल्डन यहाँ पे जंप लगाया करता था गाड़ियों से। तो आज अब बच्चों को लेके आए हैं कि वो भी ये देखें। यानी कल आप बच्चे थे और आज आप बच्चों के साथ आए? बच्चों के साथ आए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। कल की हमारी यादें जो है तो आज बच्चों की शक्ल में दोबारा जो है वो ताज़ा हो गई। इधर बच्चे ज़रा मुझे दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? क्या नाम है आपका? रामी। क्या आप पहली दफ़ा आए हैं हॉर्स एंड कैटल शो? यस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ये बच्चा जी नाराज़ हो रहे हैं, ये नहीं बात करना चाह रहा। अच्छा जी, आगे बात करेंगे जी बच्चे से जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी, पहली दफ़ा आए? यस। क्या फीलिंग है बताएं, क्या महसूस? एक्साइटिंग। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। 7 साल बाद यहाँ पर हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा मुनक़िद हुआ है, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया जो इन सब कवरेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर अब खतरा टल चुके हैं क्रिकेट की बहाली से लेके हॉर्स एंड कैटल शो। मैं फ़र्स्ट टाइम देखने आ रहा हूँ, पहले सुना ज़रूर था कि जब हॉर्स एंड कैटल शो होता था, लेकिन वेरी गुड। और फौज वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने ये सारा इत्तेमाम किया है। इंशाल्लाह अगले इवेंट्स भी इससे अच्छे होंगे, आप मीडिया वालों की वजह से और इन पूरी जो लोग इस वक्त हम पूरे जोश खरोश से आए हैं, इंशाल्लाह ताला इंजॉय कर रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान। बड़े प्यारे छोटे छोटे से बच्चे हैं और बच्चों से ये पूछेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हफ्सा। अच्छा बेटा जी, मुझे बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4। कौन से स्कूल में? कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। वेरी गुड जी। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर हॉर्स एंड कैटल शो देखने आए हैं। तो फिर कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहली दफ़ा आई? यस। बिल्कुल ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2। अच्छा, आप यहाँ पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी। कैसा फील कर रही हैं? अच्छा। अच्छा के बहुत अच्छा? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह बच्चे कह रहे हैं जी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आइए चलते हैं दूसरी फैमिली की तरफ, उनसे बात करते हैं। 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो यहाँ पे दोबारा लगा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? यकीनन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आपको पता है आजकल मौसम भी अच्छा हो गया है, ठंड चली गई है, गर्मी का स्टार्ट है, जश्न बहारा भी चल रहा है, और एक फैमिली फंक्शन है। यकीनन मैं अपनी पूरी फैमिली को लेके आया हूँ, मदर है, वाइफ है, बच्चे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा यहाँ पे आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे देख रहे हैं? जी, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, बाहर उन्होंने प्रॉपर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी चेक किया है, उसके बाद लेडीज़ के लिए सेपरेट बूथ बनाया हुआ है, सिक्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री है। वालेकुम सलाम। क्या खा रहे हैं आप? मैं शर्मा खा रहा हूँ। खाने आए हैं कि एंजॉय करने आए हैं? दोनों काम। दोनों काम? देखें जी क्या बात है जी, दोनों काम करने आए हैं। कितना एंजॉय करने आए हैं? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? अपने फेस इंप्रेशन से बताना कितना ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, हाथ से बताओ कितना ज़्यादा। इतना ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इस्मानुल। अच्छा, मुझे बताइए कि आप यहाँ पे क्या करने आई हैं? हम शो देखने आए हैं। कौन सा शो है जी? बच्ची शर्मा गई है जी, अब दूसरी बच्ची बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कहाँ, किधर से आई हैं आप? सदर से। जी, यहाँ पे क्या करने हैं? शो देखने के लिए आए, फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, फर्स्ट टाइम में देखते हैं कैसा महसूस हो रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम आई हैं आप? जी। हॉर्स एंड कैटल शो देखने आप फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई हैं? हाँ जी। क्या उम्र है आपकी? 17। अच्छा, तो ये तो 6-7 साल पहले भी लगा था, तब नहीं आपके मामा पापा लेके? मैं यार फर्स्ट टाइम आया। ये बड़ा नन्ना मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल आपका? ठीक हूँ। क्या कहाँ आए हुए आप? ए पालक। अच्छा जी, यहाँ पे क्या करने आए हैं? शो देखने, डॉग देखने, हॉर्सेस देखने, हॉर्सेस देखने। अच्छा जी, बच्चा जनाब बड़ा शर्मिला सा है, बड़ा ना शर्मा रहा है। आइए हम बात करते हैं जी बच्चे से। जी अस्सलाम वालेकुम। बच्चे मेरा ख्याल सारे शर्मा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? क्या नाम है आपका? आलिया। क्या करने आए हैं आप? शो देखने आए हैं। कैसा एंजॉय? लुत्फंदोज बहुत ज़्यादा, अभी तो स्टार्ट है, एक्साइटमेंट भी है और अभी देखते हैं कैसा होगा। पहली दफ़ा आए हैं जी। चलें जी, इंजॉय करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा, 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो यहाँ पे मुनक्किद हुआ है दोबारा, क्या महसूस कर रही हैं? जी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, इससे पहले कभी नहीं देखा, तो आज मैं बहुत मतलब इंजॉय कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हॉर्स एंड कैटल शो देखते हुए। अभी आप यहाँ पे, यानी आप कह रही पहली दफ़ा आई हैं? जी मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। चलें आप इंजॉय करें जी। आइए हम एक दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं। बच्चा ये मुझे नज़र आ रहा है, ये बार बार मेरी तरफ देख रहा है बड़े गौर से। इस बच्चे के साथ मैं बात करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बच्चा बड़ा एक्साइटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक। अच्छा मुझे बताएं, आप तो 7 साल पहले बहुत छोटे बच्चे होंगे, यहाँ पे आप हॉर्स एंड कैटल शो देखने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और कितना एंजॉय, आपके जहन में क्या है कि मैंने कितना एंजॉय कर? बहुत ज़्यादा, पहली बार आए हैं इसलिए बहुत ज़्यादा एंजॉय करना। चलें आप पहली दफ़ा आए हैं जी, इंजॉय करें, आप बैठें जी। हम लोग एक ओल्ड फैमिली की तरफ चलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे सी नन्नी परियां नज़र आ रही हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप जी? क्या करने आई हैं यहाँ पे आप? शो देखने। अरे ये प्यारी सी बच्ची शो देखने आई है, शो देखने आई है, इंजॉय करने आई है जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है बच्ची? वन क्लास में। अच्छा तो आप कितना एंजॉय करने आए? बहुत। कितना? बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा एंजॉय करने हैं जी। आइए दूसरी बच्ची से बात करते हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप जी? अच्छा मुझे बताएं कि आप यहाँ पे पहली दफा आई हैं जी, तो क्या करने आई हैं? सेट करने। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये क्या देखने आई हैं आप? शो। तो कितना एंजॉय करना है? बहुत ज्यादा। किस तरह? कितना बहुत ज्यादा? जरा फर्स्ट इंप्रेशन से पता लगना चाहिए कितना ज्यादा। बहुत ज्यादा शोर मचा के, ऊंची आवाज में पता लगना चाहिए कितना ज्यादा। बहुत ज्यादा। नहीं अभी नहीं, बहुत और ज्यादा। बहुत ज्यादा। अपने हाथों से जरा बताएं कितना ज्यादा आपको। बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 5 में पढ़ती हूँ। कौन से स्कूल में? ग्रीजन एकेडमी फॉर गर्ल्स में। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है और आपने पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पढ़ने के साथ साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम हॉर्स एंड कैटल शो, यस हॉर्स एंड कैटल शो देखने के लिए, और यहाँ पे हम मार्शल आर्ट्स जो होती है उससे थोड़ा सा और शौक मिलता है, तो मेरा भी दिल करता है उससे। अच्छा आप मार्शल आर्ट करती हैं? नहीं मैंने ज्वाइन करना है समर्स में। वेरी गुड, मार्शल आर्ट का स्टॉल मेरा ख्याल बाहर लगा हुआ, आपने देखा है? यस। हाँ तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करें और उसको बिल्कुल दिल लगा के करें। यहाँ पे कितना इंजॉय करने आई हैं, क्या आपके जहन में? मेरे जहन में यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ आई थिंक फॉलो भी होगी एंड हॉर्स परेड भी होगी एंड मोर थिंग। वेरी गुड जी, यानी कि आप यहाँ पे, आप मुझे ये बताएं कि आपके जहन में क्या क्या, कितना एंजॉय करना है? हाँ इतना इतना इतना, कितना एंजॉय? बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो शुरू हुआ है दोबारा यहाँ पे मुनक्किद हुआ है, क्या फील कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त, यानी कि एक बड़ा अच्छा एटमोसफेयर बना हुआ है यहाँ पर, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए अब सोर्स नहीं रहा पहले की तरह का, तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, तो हम लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हूँ यहाँ पर, तो एक अच्छा एटमोसफेयर है। अच्छा मुझे बताएं, आप यहाँ पे फैमिली के साथ आए हैं तो लाजिम बात है सिक्योरिटी का इंतज़ाम कैसा देख रहे हैं? सिक्योरिटी का इंतज़ाम बहुत ज़बरदस्त है, विदाउट सीकर गाड़ी कोई अंदर एंटर नहीं होने दे रही, लोग प्रॉपर चेक कर रहे हैं। यहाँ मैं काफ़ी देर से बैठा हूँ, जो लोग विदाउट पास भी एंटर हो रहे हैं उनको फ़ौरन बाहर भेज रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शराइ साहब बताइएगा कि कैसे इंतजाम है रेस्क्यू ने 1122 के? ये जो रेस्क्यू के इंतजाम है, रेस्क्यू जो है ना इस इवेंट को फुली जो है ना कवर कर रहा है, और ना सिर्फ ये 3 दिन से बल्कि रिहर्सल्स हो रही तब से कर रहा है, और फुल जो है रेस्क्यूज को जो है ना फर्स्ट एड के हवाले से और एमरजेंसी के हवाले से रेडी है। हमने अपनी एलबीज आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों पे इस तरह हर गेट के ऊपर एलबीज खड़ी हैं, इन साइड अगर कोई प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा रेस्क्यू पोस्ट हमने इनक्लोजर्स के अंदर बिठाया हुआ है ताकि बर वक्त जो है ना फर्स्ट एड हो। इसके अलावा एम्बुलेंसेज जो है वो अंदर डिप्यूट की होगी, आपको नज़र आ रही हो सामने। इसके अलावा फायर वर्क होता है शाम के टाइम, यहाँ पे इवनिंग में फायर वर्क होता है, तो उसके वाले से हमने फायर व्हीकल वहाँ पे जो है ना डिप्यूट की है ताकि कोई फायर का कोई मसला होता है तो। इसके अलावा बाहर जो है हमारी एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल खड़ी ताकि शिफ्ट करना हो तो। इस गेट नंबर 10 के ऊपर बाहर फील्ड हॉस्पिटल बना हुआ है 10 बेड्स का, उनके साथ हमारा मुकम्मल लाइज होना है। म्यूजिक और 2015 से 2018 तक की हुई, मैं बतौर इंस्ट्रक्टर पर आज अंजाम दिए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस्तकलाल की धुन बजाई जा रही है और अल्लाह अकबर आपके सामने, और जब ये आपके सामने वाजे होगी तो आपका दिल खुशी से खिल जाएगा क्योंकि ये आपसे कह रहे हैं वेलकम हुसैन। हमारे साथ मौजूद है डीसी लाहौर उमर शेर चट्टा साहब, आइए इनसे पूछते हैं हॉर्स एंड कैटल शो के क्या इंतजाम किए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हॉर्स एंड कैटल शो 7 साल बाद यहाँ पे दोबारा होने की दुआ है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? आज ये 3 रोज़ा प्रोग्राम का सेकंड डे है, हॉर्स एंड कैटल शो पे लोगों की दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। 22,000 कैपेसिटी का ये स्टेडियम है और हम शाम 4:30 बजे के बाद सिर्फ फैमिलियों को इधर एंटर करते हैं, और आप देखें कि 100% लोगों की अटेंडेंस है और पूरा हाउस फुल है फोर्ट्रेस स्टेडियम का। ये मेला मवेशियाँ और टेंट पैकिंग के लिए मशहूर है फॉर द फर्स्ट टाइम, और शाम को जो मशल परेड होती है और जो टैटो शो होता है और फायरवर्क्स होते हैं उसे देखने लोग शाम को भी बहुत आते हैं, और हमारी रेंजर्स और आर्मी की स्पेशल परफॉर्मेंसेस भी बहुत मशहूर हैं। इसके साथ इधर बाहर सनती नुमाइश लगाई गई है, हमारी फूड स्ट्रीट है फोर्ट्रेस में, और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसको स्पॉन्सर इसको फंड किया है, और लोग जश्न बहारा के का इसको एक इम्पॉर्टेंट इवेंट समझते हैं। ये शहर में अमन की वापसी की एक अलामत है कि हम अपने रवायती मेलों की तरफ वापस आ गए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है वो आया कि पुलिस का है या आर्मी का, किस तरह सिक्योरिटी का किस तरह का इंतज़ाम किया? सिक्योरिटी का इंतज़ाम अपने 3 लेयर्ड सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, मगर दावत आम है शाम को 4:30 बजे फैमिलीज इधर दाखिल हो सकती हैं, और लोगों की कन्वीनियंस का ख्याल रखा है हमने सिक्योरिटी का इंतजाम करते हुए पीछे। सर सिक्योरिटी का इंतज़ाम आर्मी जो इंक्लूड है इसमें, आर्मी साथ कर रही है, आया कि ये फोर्ट्रेस एरिया इसलिए कर रही है कि आपको आर्मी की ज़रूरत पड़ी है सिक्योरिटी के लिए? एक सेंसिटिव चीज़ है कि हमारा सिक्योरिटी का क्या प्लान है और हम किस तरह कर रहे हैं, मगर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला बाजवा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे पहली दफ़ा आए हैं? जी पहली मरतबा आए। और ये जो पहली दफ़ा आप आए हैं हॉर्स एंड कैटल शो पहली दफ़ा देख रहे हैं? जी पहली बार। अच्छा मुझे बताएं कितना इंजॉय हो रहा है? थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। इनकी परफॉर्मेंस देख के दिल को जज्बा बहुत मिल रहा है, दिल है कि इंशाल्लाह अगली बार हम भी कोशिश करें इस चीज़ के लिए। आप आगे मुस्तकबिल में क्या बनना चाह रहे हैं? मेरी कोशिश है इंशाल्लाह आगे जाके क्रिकेटर इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि आपको आज की जो महफिल है उसमें कितना मज़ा आ रहा है, ज़रा अपने चेहरे की एक्साइटमेंट से बताएं। इतना मज़ा आ रहा है कि आपको बता ही नहीं सकते, दिल में बहुत एक लगन होती है, इसकी कोशिश होती है वो बहुत है, ये बहुत जज्बा मिल रहा है आर्मी के रेंजर्स को देख के, बहुत जज्बा मिला हमें। वेरी गुड जी। हम लोग बात करते हैं दूसरे छोटे बच्चे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, ठीक है? जी ठीक। अच्छा मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर। अच्छा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कैटल शो देखने आए थे। तो क्या पहली दफ़ा आए हैं? यस। कैसा मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं इस तरह नहीं, कितना मज़ा आ रहा है को पता तो लगे ना, को एक्साइटमेंट बहुत मज़ा, मैं बता नहीं सकता, बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं इतना कितना मज़ा आ रहा है? इतना सारा
इतना सारा मजा आ रहा है। अच्छा, अब यानी कि आप चाह रहे हैं कि दोबारा फिर ये ऐसे मेले लगने चाहिए? यस, बहुत मजा आ रहा है आज तो। आज ये एक दो दफा नहीं, बहुत ज्यादा दफा लगना चाहिए। और मुझे सबसे ज्यादा रेंजर शो अच्छा लगा, उन्होंने जो मशल से ये सारा किया है, ये बहुत उन्होंने अच्छा किया है। ये इंडिया के खिलाफ हमारे फौजी जो हैं बहुत बहादुर हैं, इन्हें ये जो भी कहेंगे इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे हमारे फौजी। हमें फख्र है कि हमें ऐसे फौजी मिले हैं। वेरी गुड जी, फिर लगाए नारा पाकिस्तान जिंदाबाद। जी हमारे साथ छोटी बेटी मौजूद है जी, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? निता ईमान। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 8th। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आप पहली दफा आई? जी मैं पहली दफा आई हूँ। तो कैसा महसूस कर रही? मैं बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड थे और हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो अभी आपने अंदर वाला ये स्टेडियम के अंदर ही है कि बाहर भी देखा है? बाहर भी देखा है। कब के आए हुए आप? हमें बहुत देर हो गई है, काफी देर हो गई है। अच्छा, आप अपनी फैमिली के साथ आई हुई हैं? जी फैमिली के साथ आई हुई हूँ। तो फिर मजा आ रहा है? जी बहुत मजा। फिर आप तीनों बताएं कि कितना मजा आ रहा है? वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी, बच्चे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बच्चों को, और ये बच्चों का ही प्रोग्राम है। और माशाल्लाह बच्चों की एक्साइटमेंट ऐसी है कि जब ये देख रहे हैं आर्मी के करतब और पाक फौज की इज्जत और एहतराम, इनके लिए इनके दिलों में बहुत ज़्यादा है। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हम लोग बड़े होकर पाक फौज में जाएंगे, ये हमारे लिए एजाज की बात है। कैटब्रिज से गुजरते हुए टेबल ब्रिज पहला फायर रैंक क्रॉस किया, टनल से गुजरते हुए दीवार को अबूर किया और फायर रैंक सिंध के यहाँ पे मौजूद हैं हम लोग स्टॉल पे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के स्टॉल जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मैं याकूब सुमरो। आप यहाँ पे जो हॉर्स एंड कैटल शो में आए हैं, स्टॉल लगाया, ये किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये नेचुरल अजरक वेजिटेबल का है। अच्छा, ये जो आप अजरक है ये आप खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद ही बनाते हैं? जी हम खुद ही बनाते हैं, जड़ी बूटियों में बनाते हैं, जैसे प्याज के छिलके, नार के छिलके और केसर फूल में, और घास के जो पत्ते हैं इनसे हम जड़ी बूटी में उसका रस निकाल कर कलर बनाते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जी वो कुछ प्याज के छिलके और इस तरह के छिलके जो है ना वो बना के उनमें से वो ये डिज़ाइनिंग करते हैं, और बड़ी अच्छी बात है जी, माशाल्लाह नेचुरल है। और इसके साथ ही अगर मेरा कैमरा मैन आपको पीछे दिखाए तो ये है जी मोहनजोदड़ो रिसोर्ट एंड होटल। मोहनजोदड़ो रिसोर्ट एंड होटल इन्होंने बनाया है जी यहाँ पे सुमरो सफारी पार्क में, जिसमें फ्लोटिंग रूम्स हैं, बोटिंग है, चैलाट्स हैं, रूम्स हैं, कैंपिंग है, म्यूजियम है। आइए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताइएगा, ये जो आप पीछे आप बता रहे हैं जी मोहनजोदड़ो रिसोर्ट एंड होटल, इसके बारे में कुछ बताइए। सर मोहनजोदड़ो जो है वो हमारा 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसको मतलब यह कि मार्केटिंग थोड़ी सी कम हुई है। तो फिर मेरा ये था कि हम वहाँ पर मतलब लोकल वहाँ के सनाव सॉयल हैं, तो हमने कहा कि भाई मोहनजोदड़ो को प्रमोट क्यों नहीं किया जाए। तो फिर हमने वहाँ पर एक रिजोर्ट बनाया है जिसमें जो बाहर से फॉरेनर्स जो लोग आते हैं उनके लिए हमने बड़े अच्छे लग्जरी रूम्स बनाए, और वो लोग आके हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टे कर रहे हैं। अब हम इसको प्रमोट कर रहे हैं अब पाकिस्तान से कराची, इवन इस्लामाबाद और लाहौर। मुझे ये बताइएगा जो मोहनजोदड़ो रिजॉर्ट बनाया है यहाँ पे, अप्रोच अच्छी है, सही है, जैसा सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन? सर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अप्रोच हो गई है, रोड जो मोटरवे मुल्तान टू सखर जो बन गया है रोडी, वो उसके बाद भी सारे हमारे रोड भी बेहतर हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन बेहतरीन है। अब फॉरेनर्स का भी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त फुटफॉल है। आप हॉर्स एंड कैटल शो में मौजूद हैं इस वक्त, और बताएं कि ये 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा मुनक्किद किया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर इसके बारे में यही कहूंगा कि बहुत ही ज़्यादा खुश आइंदा चीज़ है, ये 20 साल बाद हमारे मुल्क के जो वापस हालात आए हैं, बहुत ही खुश आइंदा चीज़ है कि हर तरफ जो एक जश्न का समा है, हर बंदा बहुत खुश है
20 साल बाद हर, मैं तो कहता हूँ बल्कि 20 साल क्या, हर हफ्ते हर रोज़ ये शोज़ होने चाहिए ताकि लोगों का डेवलप्ड हो, लोगों का माइंड चेंज हो। और यहाँ मैं बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ सिंध की, और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, मतलब दिलकश हो गई है। अच्छा, आप किसके साथ आए? अपनी मिसिस के साथ आया हूँ। मिसिस सख्त है कि नरम है? बस नॉर्मल है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम। तो आप बनाते हैं कि मिसेज ही बनाती हैं जी? तो आप क्या सफाई करते हैं? बस बर्तन धोते हैं? कभी कभी वो भी कर देते हैं अगर मिसेज कहें तो। मिसेज कहें तो कभी जी जी, यानी कि इसका मतलब है कि मिसेज कहें तो आप सफाई के साथ साथ खाना भी बनाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी टैलेंटेड है जी। ये मिसेज से बात करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये कह रहे हैं जी मल्टी टैलेंटेड आपको ये हस्बैंड मिले हैं, तो कैसा मतलब आप फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील करती हैं, अच्छे हैं। आपने तो अच्छा ही फील करना है क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड हैं, खाना भी बना सकते हैं और वो मतलब के बर्तन भी धो सकते हैं, तो फिर आपको तो आराम है। जी बिल्कुल, ये तो है, लेकिन मतलब मैं तंग नहीं करती इस बात में। ये तंग नहीं करती? नहीं। आपका हॉर्स एंड कैटल शो में आके क्या महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक एंजॉय भी है और बहुत मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं हॉर्स एंड कैटल शो के पंजाब स्टॉल पे, पंजाबियों का माशाल्लाह, पंजाबियों का स्टॉल, पंजाबी लोग। जनाब इनसे बात करते हैं, इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी पंजाबी चीज़ें रखी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये आप बताएं, सबसे पहले तो 7 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो मुनक़िद हुआ है, तो 7 साल बाद आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, काफ़ी अवाम तफरी कर रही है। यानी कि आप देख रहे हैं आज ये अवाम में मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रुझान पैदा है, बहुत ज़्यादा रश है? जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्पी ले रही है अवाम पंजाब कैटल की तरफ से। ये 7-8 साल के बाद शो किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं कुम्हार, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या फनकारी है। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप फैसलाबाद से आए हैं और बताइएगा कि ये बर्तन पे किया मेहनत है और किस तरह आप करते हैं बर्तनों को? मिट्टी के बर्तन है, जद्दी पुछदी साडा कारोबार है, फैसलाबाद तो आए हैं इसी गार्डन के विच। बाकी मेरा नाम जमील अहमद है, 105 बंगे फैसलाबाद जड़ाला रोड उतों आए हैं। अच्छा, मतलब ताड़ा जद्दी पुछती यही काम है? साडा जद्दी पुछती काम है शुरू तो। लाहौरिया से की लेके आए? और बात से तोहफा लेके आए जी, ऐसी फैसलाबाद तो बिलो जी है मिट्टी के बर्तन, इन्हें जो इस्तेमाल करो तो कड़ी बीमारियां ने दूर हो। आप सुनत दाव आ, हजूर सल्ला सलम सुनत बच्च ये कारोबार है साडा, तो ये समझ लो भी कारोबार मिट्टी का बर्तना का अभी करते हैं। हम लोग इस वक्त गिलगत के स्टॉल में दाखिल हो रहे हैं, आइए आपको गिलगत के लोगों से मिलवाते हैं। गिलगत के लोग माशाल्लाह मेहमान नवाजी में बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे गिलगत के सारे लोग, इनसे पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपके पास इधर आके बैठूँगा, फिर आपसे बात करूँगा यहाँ पर। और माशाल्लाह जी मुझे बड़े बड़े प्यारे ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गिलगत के ड्राई फ्रूट्स बहुत मशहूर है। यहाँ पे अखरोट है, बादाम है। ऐ जी, वेरी थैंकफुल टू यू सर। और ये भी सर गिलगत की है? जी सर, गिलगत की है। अच्छा जी, वेरी नाइस जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आप गिलगत से आए हैं इतनी दूर से लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो में, तो आप हॉर्स एंड कैटल शो में मौजूद थे? जी सर, शुरू से मौजूद थे। यानी कि हॉर्स एंड कैटल शो पूरे 7 सालों बाद हो रहा है, 7 साल पहले आप यहाँ पे आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं आए थे। अच्छा जी, यानी कि आप इस हॉर्स एंड कैटल शो में आके क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत मज़ा आ रहा है सर, दूसरों के कल्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सिंध जिस तरह सिंध है, पंजाब है, बलोचिस्तान है, सारे है, तो ऐसा लग रहा है कि हम सारे एक फैमिली की तरह इधर बैठे हुए, बहुत मज़ा आ रहा है। वेरी गुड जी। मुझे ये बताइएगा कि गिलगत की कौन सी खास तोहफे हैं जो आप लाहौरियों के लिए लेके आए? खास तोहफों में सर हमारा जो ड्राई फ्रूट सर वहाँ के बिल्कुल ऑर्गेनिक है, वो लेके आए हैं हम सर। और वहाँ पे जो हम चीज़ें खाते हैं सर, वो भी आपके लिए यहाँ पे एक तोहफे की शक्ल में लेके आए हैं। और जो आपने अभी एक कैप पहना है सर, इस तरह का जो हमारे जितने भी कल्चर है सर, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है सर हमने। जो कैप मैंने पहनी हुई है ये ट्रेडिशनल है वहाँ की? वहाँ की ट्रेडिशनल है सर, स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं। स्पेशल ओकेजन जी ये पहनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से आई हैं?
लाहौर से। अच्छा, क्या हॉर्स एंड कैटल शो पहली दफा आई है? जी। क्या महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नहीं, इस तरह नहीं, बहुत अच्छा क्या महसूस हो रहा है बताएं ना, किस तरह अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत मज़ा आया है हमें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ है, पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है और हमारी आर्मी जो है हमारे लिए कितनी महफूज, हमें हमारे लिए हमारी हिफाजत करती है। आप बताएं बेटा, मज़ा आ रहा है? जी। कितना मज़ा आ रहा? बहुत ज़्यादा। नहीं, इस तरह नहीं, कोई अपने फेस इंप्रेशन से मज़ा? जी। हाथों से मज़ा बताएं कितना आ रहा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अब सारे बच्चे मिलके बताएं कितना मज़ा आ रहा है? बहुत ज़्यादा। हम लोग इस वक्त मौजूद है जहाँ पे गुड़ बन रहा है। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पे गुड़ जो है प्रैक्टिकली गुड़ को बनाया जा रहा है। हमारे साथ जो साहब मौजूद हैं इनसे पूछते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, मैंने दसना जरा कि गुड़ किस तरह बन रहे हैं? ये जी, पहला चूस कटना बेलने थानी। पहले चूस कटना बेलने थानी। अच्छा जी। मुड़के कड़ाज बनना। ठीक है। मुड़के अगले ज बनना। ठीक है। मुड़के उतों डोरा मार के सफाई करके ऐसे पा देना, शक्कर बना लिए गाड़ी ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੇ ਤੇ ਡੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਡੱਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ? ਡੱਲੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। सिक्योरिटी हवाले से जहाँ पर हर एजेंसी यहाँ पे काम कर रही है, जिस तरह की आर्मी है, पुलिस है, इसी तरह ही ट्रैफिक की बहाली के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट इदारा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रैफिक। ट्रैफिक की बहाली अगर ना हो या ट्रैफिक का निज़ाम अगर सही तरीके से ना चल रहा हो तो इसका मतलब है कि सारे निज़ाम फेल हैं। ट्रैफिक की बहाली ट्रैफिक पुलिस वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सेक्टर इंचार्ज कैंट फारूक रईस साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि ट्रैफिक के बारे में इनको क्या मुश्किलात का सामना था और किस तरह इन्होंने हैंडल किया। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक साहब, बताइएगा कि ट्रैफिक के हवाले से हॉर्स एंड कैटल शो लगा हुआ है, ट्रैफिक के हवाले से आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आपने किस तरह मैनेज किया? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने मैनेज किया यहाँ पे तमाम जितना भी ट्रैफिक अरेंजमेंट्स थे, लेकिन जो प्रॉब्लम हमें यहाँ पे आई वो ये थी कि लोग बजाय पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ खड़ी करने के सड़क के ऊपर पार्किंग करके तो चले गए, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लिफ्टर लगा के गाड़ियाँ रिमूव करवानी पड़ी। शहरियों से हमारी ये गुजारिश है कि अगर वो कल आखिरी दिन है हॉर्स एंड कैटल शो का, दो दिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे गुजरे, कल का दिन उनसे यही गुजारिश है कि वो जो गाड़ियाँ अपनी हैं वो जो डेजिग्नेटेड पार्किंग है वहाँ पे पार्क करें और शटल सर्विस जो है वो चलाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो उसमें बैठ के तो हॉर्स एंड कैटल शो देखने के लिए आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आप लोगों ने हमारे साथ सैर की हॉर्स एंड कैटल शो की फोटो स्टेडियम में, यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी और हमने उनसे बातें की और उनके उनकी राय जानने की कोशिश की। राय में उन्होंने ये बताया है कि हुकूमत के लिए सबसे पहले ये बहुत अच्छा इनकार किया है शो का, हॉर्स एंड कैटल शो जैसे शोज जो हैं वो बाकायदगी से होने चाहिए। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए, कैमरा मैन मोहम्मद नुमान के साथ कोहिनूर न्यूज़ लाहौर। अल्लाह हाफिज़।